गृह मंत्री जो होता है उसके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था होती है हमारे भारत की, आप सुरक्षा नहीं कर सकते, आप काहे के गृह मंत्री हैं, आप क्यों हैं इस भारत के लिए। देखिए अमित शाह जी तड़ीपार इंसान है, ये सबको मालूम है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपना ठीक से काम नहीं कर सकता उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। जिस सारा दंगा हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए, और ध्यान भटका भी, देखिए सारी गोदी मीडिया हो या फिर ट्विटर पे हम ट्रेंडिंग देख ले या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी हम देख ले तो नरेंद्र मोदी जी का ये वाला ट्वीट देखने को मिलता है। बट मैं एक बात ये देखूंगी कि जब नरेंद्र मोदी जी का ये वाला ट्वीट आया था ना, तो उसके नीचे हमको जो रिप्लाईज होते हैं अगर उसमें पढ़े तो ऐसे ऐसे रिप्लाई हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते, उसमें गालियां लिखी गई हैं। बहुत बुरी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी की, शर्मिंदगी की बात है हमारे भारत के लिए। कॉल दिया गया था कि रामलीला मैदान से जंतर मंतर के मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन आखिर वहां पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्या वजह है अगर कोई कॉल देता है तो? यूपी भवन जैसी अब स्थिति यहां भी बनने लगी है रामलीला। देखिए ये साफ साफ बताता है कि हमारी आज़ादी छीनी गई है, पहली बात तो आज़ादी छीनी जा रही है। कभी भी ऐसा मैंने होते नहीं देखा है कि कोई प्रोटेस्ट करे या कोई कॉल दे और वहां पर उसको डिटेन कर लिया जाए। रामलीला ग्राउंड मेरे घर के पास ही है और वहां पर जो बच्चे चाय पी रहे हैं खड़े होकर उनको भी पुलिस डिटेन कर रही है, मतलब ये देखिए। और ये हमारा पहले होता था कि डिटेन कर लेते थे, आराम से चाय पिला के बैठाते थे और छोड़ देते थे, पहले ऐसा होता था डिटेन करने पर। अगर मैं आपको अंदर की सच्चाई बताऊं तो डिटेन करके उनको बहुत गलत गलत बातें बोली जाती है, बच्चों को मारा भी बहुत ज्यादा है। अब ये वाला डिटेन जो है, डिटेन का भी नया रूप हो गया, जैसे हर जिसका ये रूप बदल रहे हैं ऐसे डिटेन का भी होने का उन्होंने रूप बदल दिया है। बच्चों को मारा जाता है, उनको गालियां दी जाती है, लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है, और छोड़ा भी कहीं जाता है इतनी दूर कि वहां से बच्चे लौट कर भी आए तो पूरा दिन लग जाए, इस तरह से किया जाता है। और देखिए किसी भी तरह का जो हमारे संविधान में है कि अगर आपको किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठानी है तो आपको अधिकार है कि आप किसी भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। बट यहाँ पे आजादी ही छीन ली गई है, कोई भी अगर प्रोटेस्ट करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, जामिया में JNU में उनको मारा जाएगा। बट मुझे ये लगता है कि जो चीजें हो रही है ना सारी, वो टारगेट करके हो रही है, मतलब एक चीज को देखकर हो रही है। जिस अगर आप किसी अलग कम्युनिटी से हैं तो आपको अलग तरह से डिटेन किया जाएगा, मारा जाएगा, आप किसी और कम्युनिटी से हैं तो आपको अलग तरह से आपके साथ बर्ताव होगा। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बांट रखा है। अभी रामलीला ग्राउंड पे बहुत सारे बच्चे डिटेन हैं, इसलिए यहाँ पर लोग कम हमें दिख रहे हैं, बट वहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी ऐसे बच्चे हैं वहाँ पर जो बोल रहे हैं कि हम इस प्रोटेस्ट में है ही नहीं, उनको भी वहाँ से उठा लिया गया। तो मुझे लगता है कि संविधान पे सबसे बड़ा हमला है। इस मार्च के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते थे जो आप रामलीला मैदान से जंतर मंतर निकाल रहे? देखिए संदेश यही था जो हमारे साथ NRC हो, NPR हो या CA जो लेकर आए हैं, इसके खिलाफ था। और सबसे मेन जो ये क्रूरता हुई है बाबरपुर में, मौजपुर में, जाफराबाद में, जो ये हुआ है लोगों के साथ, उनके घर जला दिए गए हैं, उनको मारा गया है, बहुत बुरी चीजें की गई हैं जो शायद अभी तक मीडिया में है नहीं, लोग बता ही नहीं रहे हैं। शिव बिहार एक जगह है, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि पुलिस घुसने नहीं दे रही है मीडिया को, और वहाँ पर अगर पुलिस घुसने तो मीडिया ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकालेगा जो हैरान कर देने वाली होगी। लोगों के साथ ऐसा ऐसा किया गया है, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा वहाँ पे किया गया है। मैं परसों वहाँ पर थी तो मैंने देखा वहाँ पे लोगों ने हर किसी से भी आप मिलो तो वहाँ पर रो रहे हैं लोग, परेशान हैं, उनके घर जल गए हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं। अब बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे इतने दिनों से यहाँ पर NRC को, NPR को लेकर, अब कहाँ से आएंगे डॉक्यूमेंट्स? अब सरकारें कुछ करेंगी डॉक्यूमेंट्स के लिए? कोई सरकार कुछ नहीं करती, बोल देते हैं सब बट कोई कुछ नहीं करता। वहाँ पर हमने जाकर देखा, वहाँ हमने हालत देखी कि कौन सी सरकार कैसे काम कर रही है, हमें साफ साफ पता चल गया कि कोई भी सरकार काम नहीं करती, बोल देती है। और मेरे ख्याल से जब लोग 3 दिन तक कट रहे थे, मर रहे थे, तब सरकारें क्यों नहीं आई? 3 दिन बाद जब सब कुछ हो गया तभी सरकार को क्यों याद आता है कि हम इनको मुआवजा देंगे, इनके लिए कुछ करेंगे, हम वहाँ पर रैलियाँ निकालेंगे, पीस मार्च निकालेंगे? आखिर जब पहले दिन हुआ तो आपको पता था कि वहाँ पर पहला दिन ऐसा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं करें वहाँ पर कुछ? क्यों? क्योंकि सब कुछ प्लान्ड होता है, सब कुछ पहले से ही होता है तय कि अगर इस तरह कीचड़ फैलेगा तो हमारी राजनीति जो है वो मजबूत होगी, हम आगे बढ़ेंगे राजनीति में। अगर जिस भी अगर क्या कहते हैं हम धर्म के खिलाफ या फिर किसी भी को हम टारगेट करके करेंगे तो दूसरा जो धर्म होगा हमारे साथ आएगा, खुलेआम नारे लगाए जाएंगे देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। वो गद्दार कौन है? जो हम लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, वो लोग गद्दार हैं। जो लोग कह रहे हैं देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, जो अल्टीमेटम देकर जा रहे हैं, उनके लिए आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता
आतंकवादी हो जो कपिल मिश्रा है उसको सिक्योरिटी दे दी गई है, वाइप प्लस सिक्योरिटी दी गई है उसको, क्योंकि उसको धमकी आ रही थी, मतलब अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको उठा लेंगे आप, बहुत बुरी तरह मारेंगे। जामिया के बच्चों को कहाँ कहाँ हिट किया गया मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, इतनी बुरी तरह उनको बोला गया कि बहुत मर्दानगी का शौक है, ना मर्द बना देंगे, इस तरह की बातें बोली गई है उनको। मेरे दोस्तों के खुद के साथ ये हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी तक, और उसको सुरक्षा दी जाती है वहाँ पर, जो पुलिस को ही अल्टीमेटम देकर आ रहा है, जिसने पूरे दंगे भड़काए, जिसने सब कुछ किया। और इनफैक्ट हम अभय वर्मा को देख ले, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है लक्ष्मीनगर में, वो अभी भी आराम से रह रहा है, इनका जो विधायक है लक्ष्मीनगर का, हम विनय क्या कहते हैं उसको, ये ठाकुर जो है इनका, उनको कह ले अनुराग ठाकुर कह ले, वो भी स्टार प्रचारक बने घूमे थे, जब भी वो घूम रहे थे वो अब भी बहुत ज़्यादा खुलकर घूम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो राजनीति के गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, या तो उसे दबाया जाएगा, या तो उसे डिटेन कर लिया जाएगा, या तो उसे मारा जाएगा, उसके साथ रेप होंगे, या फिर उसको जान से मरवा दिया जाएगा, यही होता आया है। और आगे ये जो राजनीति है जो अभी चल रही है, जितना गंदा इसका स्तर आ गया, मुझे लगता है आगे आगे इससे भी बहुत ज़्यादा गंदा स्तर आएगा अगर 4 साल बीजेपी और रहती है, क्योंकि 6 साल हुए हैं, और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है और बुरा हालात देखने को मिलेगा राजनीति के। देश भर में 80 दिन से ज़्यादा हो गए सीए के आंदोलन चलते हुए, लेकिन कल मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि मैं सोशल मीडिया छोड़ना चाहता हूँ, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, जब हमारी जीडीपी रेट गिरती है बहुत बुरी तरह, जब हमारी गरीबी बढ़ती है, जब हमारे रेप हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो एकदम से एक नया सा मुद्दा आता है, वो होता है एनआरसी का मुद्दा, ठीक है? उसके बाद जब पता चलता है कि नहीं एनआरसी, तो हमें जब लोग खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं तो एकदम से वो बदल देते हैं, कहते हैं तो सीए लाएंगे, वो सीए को वो लागू भी कर देते हैं। उसके बाद जब ये भी लगता है कि हाँ भाई इसके भी खिलाफ आवाज उठा रही है, तो वो एक नया सा कानून लाते हैं, वो होता है एनपीआर। एनपीआर में कहते हैं कि हम इस तरह से डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद जब इनके जो प्रोटेस्ट होते हैं वो खत्म नहीं हो रहे होते हैं, सरकार उनको खत्म नहीं करवा पा रही होती है, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले पर लोग अड़े रहते हैं, तो वहां पर जाफराबाद जैसे दंगे होते हैं बहुत बुरी तरह, जहां लोगों को मरवाया जाता है। फिर जब हर सरकार की बहुत बुरी तरह से बुराइयां होने लगती है, जब सरकार पता चल जाता है सबको कि सरकार का क्या चेहरा है, तो एकदम से हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि मैं छोड़ दूंगा। देखिए छोड़ने वाले जो होते हैं ना, वो बकबक नहीं करते हैं बैठ के ट्विटर पे कि हम छोड़ने वाले हैं। अगर आपको छोड़ना है, और देखिए आप अगर तक ट्विटर पे हैं अभी या फिर हर सोशल मीडिया पे हैं, तो आपने क्या कर लिया हमारे भारतीय लोगों के साथ, क्या अच्छा हो गया उससे? इन्होंने मीडिया पे अभी गोदी मीडिया इतनी बुरी तरह दिखा रहा है कि उनके फॉलोअर्स खराब हो जाएंगे, उनको इतने लोग फॉलो करते हैं उनका क्या होगा? अरे जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पूरी दिल्ली पूरा भारत हिला पड़ा हुआ है एनआरसी सीए को लेकर, उनका क्या है? उनका किसी ने कुछ नहीं सोचा, बट फॉलोअर्स अगर मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं उनको, अरे आप ये भी तो देखिए वो कैसे कैसे लोगों को फॉलो करते हैं, वो दंगे भड़काने वाले लोगों को फॉलो करते हैं, आप वो नहीं देखेंगे वहाँ पे? और अगर नरेंद्र मोदी जी को अभी ये वाली बात याद आती है, तो आपको पहले ये वाली बात करनी चाहिए थी जब भारत में इतना सब कुछ हो रहा था, पर ये वाला जो मेन जो चीज़ है इनकी वो है जिस सारा दंगा हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए, और ध्यान भटका भी। देखिए सारी गोदी मीडिया हो या फिर ट्विटर पे हम ट्रेंडिंग देख लें या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी हम देख लें, तो नरेंद्र मोदी जी का ये वाला ट्वीट देखने को मिलता है। बट मैं एक बात ये देखूंगी कि जब नरेंद्र मोदी जी का ये वाला ट्वीट आया था ना, तो उसके नीचे हमको जो रिप्लाईज होते हैं अगर उसमें पढ़े, तो ऐसे ऐसे रिप्लाई हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते, उसमें गालियाँ लिखी गई हैं, बहुत बुरी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी की, शर्मिंदगी की बात है हमारे भारत के लिए। सर ट्वीट करने के पीछे क्या मतलब, आखिर क्या छोड़ना चाहते हैं? ये सोशल मीडिया कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं छोड़ेगा, सिर्फ बहकाने वाली बात है। अगर उनको छोड़ना ही होता तो अभी तक छोड़ चुके होते, उनको अभी से बुराइयां नहीं मिल रही है, उनको 6 साल से ही बुराइयां मिल रही है। बस बात यह है कि मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, जो दिल्ली में हुआ उससे दिमाग भटकाने के लिए लोगों को इन्होंने ये कर दिया। अब इनको पता है कि हमारा आईटी सेल तो बड़ा मजबूत है, आईटी सेल अगर हम ये डाल देंगे तो सारे में फैला देंगे, इमोशनली अत्याचार हो रहा है लोगों पे कि मैं तो छोड़ने वाला हूँ। क्यों छोड़ने वाले हैं? आपने ये तो बताया नहीं क्यों छोड़ने वाले हैं, अब ये भी तो बताइए ना आगे आके हम क्यों छोड़ने वाले हैं। ये नहीं बताएंगे कि हमारे को इतनी बुराइयां मिल रही हैं, इतनी गालियां मिल रही है बीजेपी सरकार को, या पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में बुराइयां हो रही है अभी भारत की, आप ये भी बताइए। कपिल मिश्रा की बात करें, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगा, कैसे देखती हैं? होली नहीं, तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली में हिंसा हुई है, मैं होली नहीं मनाऊंगा, होली नहीं मनाऊंगा। अरे बेशरम आदमी, जब छोटा सा बच्चा रो रहा था ना वहां पर, छोटा सा एक बच्चा जब उसके बाप मर गया दंगों में, तब तुम अपने बच्चे के साथ बैठ के बर्थडे मना रहे थे वहां पर, तो क्यों मनाया तुमने? अगर तुम्हें इतना पता, पीस मार्च निकाला उसने, सब कुछ भड़काया उसने, करा उसने, जब सब कुछ हो गया तो पीस मार्च निकाल रहा है वहां पे, और उसके चेहरे पे हंसी थी, पीस मार्च में भी उसके चेहरे पे हंसी थी, दंगों में लोग मर गए, इतने लोगों के घर जल गए, सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गई एक तरीके से उनकी दुनिया, वो वहां पे पीस मार्च निकालते
हंस रहा है, तो शर्मिंदगी की बात है। और उसने कहा कि होली नहीं मनाऊंगा। देखिए ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया से ये सब कुछ कर ले, सोशल मीडिया पे लोगों को बहका दे, सोशल मीडिया से हम इमोशनली अत्याचार कर ले लोगों पे। पर दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, भारत इतना बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है। यहाँ पर ही नहीं, दुनिया के बाहर, हमारे क्या कहते हैं, भारत के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेकर। और अगर वो कहते हैं होली नहीं मनाएंगे, तो उनके होली मनाने या ना मनाने से कोई दुनिया तबाह नहीं हो रहा, भारत तबाह नहीं हो रहा। तुम टुच्चे मुच्चे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, तुम होली मनाओ तो तुम्हारे लिए, ना मनाओ तो तुम्हारे लिए। बस हमसे ये कर लो कि तुम ये जो दंगे भड़काते हो बाहर आकर, जो तुम ये सड़ी हुई बातें बोलते हो, लोगों के मन में जहर घोलते हो, उसको घोलना बंद करो, तब कुछ हो सकता है भारत का। क्या क्या लगता है, जिस प्रकार से देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, क्या इसका कोई रिजल्ट निकलेगा या ऐसी रह जाएगा आंदोलन? देखिए जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए क्रूरता बढ़ती जा रही है सरकार की, हम ही देखते हैं। लोगों को डिटेन किया गया, चाहे तो वो जेएनयू में पहले किया गया, फिर उसके बाद जामिया में आ गया, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये जो जाफराबाद वाली जो पूरी घटना हुई है वो हुई है। और देखिए अभी आज की ही बात बोले तो रामलीला ग्राउंड पे लोगों को फिर से डिटेन कर लिया गया, ठीक है ना। तो जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, उसी तरह से मुझे लगता है ये लोगों पे, ये स्टूडेंट्स पे, ये जो भी इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, चाहे तो वो आईपीएस ऑफिसर हो, जज हो जिनका तबादला कर दिया गया है, कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, उनको ये दबाएंगे, उनको मारा जाएगा, उनके लिए इस कदर मतलब ये कदम उठाएंगे कि लोग बैठ जाएं। पर मुझे लगता है कि ये वाला जो माहौल है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है हमें बहुत देर हो चुकी है इन चीज़ों को करने में। हमें ये चीज़ें बहुत पहले करनी चाहिए थी। जब कहते हैं ना कि जब सड़कें सुनसान होती, संसद आवारा हो जाती है, ये कहा जाता है, तो संसद आवारा हो चुकी है, हमें बहुत देर हुई। बट अगर इस बार हम रुक गए तो शायद भारत खत्म हो जाएगा। सवाल मेरा, आपने संसद का नाम लिया, तो कल संसद में मोदी मुर्दा, सॉरी शाह मुर्दाबाद के नारे लगे और इस्तीफा देने की बात करी, कड़ी पार बोला गया, कैसे दे देंगे? हम भी मांगते हैं इस्तीफा, बिल्कुल मांगते हैं हम इस्तीफा अमित शाह जी से। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री जो होता है उसके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था होती है, हमारे भारत की आप सुरक्षा नहीं कर सकते, आप काहे के गृह मंत्री हैं, आप क्यों हैं इस भारत के लिए? देखिए अमित शाह जी तड़ीपार इंसान है, ये सबको मालूम है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपना ठीक से काम नहीं कर सकता उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। मुर्दाबाद के हम नारे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं मुर्दाबाद, क्योंकि हम अगर उनकी तरह मुर्दाबाद के लिए बोलने लग जाएंगे तो उनमें और हम लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और मुझे लगता है जो हिंदुत्व की राजनीति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह जी हो, कपिल मिश्रा हो, या फिर ये कोई भी ठाकुर, कोई भी हो, अगर हिंदुत्व की राजनीति अगर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं हिंदू रिलीजन से हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, मैं भी मुस्लिम नहीं हूँ, पर उनके साथ खड़ी हूँ। जब तक हो सकेगा हम साथ खड़े रहेंगे उनके, और हमें खुशी है कि हम ऐसे हिंदू नहीं हैं जो किसी के धर्म से नफरत करें, उनके खिलाफ हो जाए और उनसे नफरत करके आगे बढ़े हिंदुत्व हिंदुत्व के नाम पे। वो असली हिंदुत्व नहीं है। आप अगर हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो आप देश के जो दूसरे लोग हैं उनसे भी प्यार करें, उनसे अपनी एकता बांट के रखें, और जितना भी हो सके, देखिए राजनीति इतनी गंदी चीज़ है, कीचड़ है एकदम। क्यों? क्योंकि राजनीति में जो जो गया वो कीचड़ बनकर ही बाहर निकला, वो हमेशा, वो किसी और को दूध में नहीं निरा सकता, वो कीचड़ में ही बाहर आएगा खुद भी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो माहौल है, इस माहौल में या तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हिंदुत्व के जो भी नारे लगाते हैं, जो भी अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा रुकें और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, ताकि देश में जो दिल्ली में जो हालात बन गए हैं उसको हम पीछे कर सके, कुछ ठीक हो सके।